नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। पुलिस शहीदी स्मृति स्थल पर हुआ एक कार्यक्रम का आयोजन। शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर व पुलिस के अधिकारियों ने कर्मचारियों व शहीद हुए पुलिस के जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जाने की ये रिपोर्ट। देश के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज सिरसा में भी पुलिस लाइन के अंदर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर सहित पुलिस के अधिकारियों ने जो भी वहां उपस्थित थे, कर्मचारियों ने भी पुष्प अर्पित कर पुलिस के जवानों को जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सिरसा जिला के शहीद हुए पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने कहा कि यह दिन पुलिस के लिए एक यादगार दिन है और इस दिन शहीद हुए जवानों को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह दिन पुलिस फोर्स के अपने कर्तव्य की पालना करने को प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि बलिदान से बड़ी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। आज सभी पुलिस कर्मियों को प्रण लेना चाहिए कि जिस राह पर वे चल रहे हैं, शहीदों ने समाज और देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उसी राह पर उन्हें भी चल करके अपना कर्तव्य निभाना है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की यह खास रिपोर्ट। जो सिलसिला रजांगला से स्टार्ट हुई थी, तो उस परंपरा को स्टार्ट रखते हुए 21 अक्टूबर के दिन हम पुलिस शहीदी दिवस मनाते हैं। और आज का जो दिन था, जो शहीद हुए हैं हमारे जवान पुलिसकर्मी लास्ट ईयर में, तो उनको आज नमन करने का दिन था, हमारा श्रद्धांजलि देने का दिन था। तो आज सिरसा पुलिस इकट्ठा हुई थी पुलिस लाइन में और श्रद्धांजलि दिया गया, उनको याद किया गया। पूरे देश भर में 414 लोग हैं हमारे पुलिसकर्मी जिन्होंने शहादत दी है समाज के लिए, समाज में शांति कायम रखने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाने के लिए। तो आज का दिन था उनको नमन करने का, श्रद्धांजलि देने का। और आज हमने सिरसा पुलिस से भी अपील किया कि जब भी, अगर बलिदान से बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती, चाहे समाज के लिए हो चाहे देश के लिए हो, तो आज हमने अपील किया कि कहीं भी अगर मौका हो, ऐसा ड्यूटी के दौरान ऐसी चीज़ें आ जाएँ, तो कदम को पीछे नहीं हटाना है, कदम को आगे बढ़ाना है।